वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं कि इनलाइन स्केट्स में आप स्केटिंग कैसे कर सकते हो, बेसिक स्टेप्स क्या हैं और कैसे आप उसको इजी पार्ट्स में सीख सकते हो। तो मैं आपको जल्दी से फटाफट करके बताने वाला हूं कि आप कैसे अपनी स्केटिंग इनलाइन स्केटिंग शुरू कर सकते हो। अगर आप फर्स्ट टाइम इनलाइन कर रहे हो तो भी, और आप रोलर या क्वाड्स इनलाइन पे शिफ्ट हुए हो तो भी, आपको कैसे करना है वो सब मैं आपको आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो चलो बिना कोई टाइम वेस्ट करे सीधे सीधे हम स्टेप्स पे आते हैं। सबसे पहले आपको आ जाना है ऐसी ग्रास में, जैसी ग्रास में मैं आ चुका हूँ। आपने सीधा प्लेन पे पैर नहीं रखना है, ग्रास में पैर रखना है। और ग्रास में पैर रखने से आपको ये होगा कि आप डिसबैलेंस नहीं होगे और जल्दी से गिरोगे नहीं। और साथ के साथ आपको ये ध्यान रखना है कि आपको अपने नी गार्ड्स, ये नी गार्ड्स और शू अच्छे से टाइट कर लेने। और नी गार्ड्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अगर नी गार्ड्स नहीं है तो भाई परचेज कर लो। ये जो नी गार्ड्स मैं यूज़ कर रहा हूँ, मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। मैंने अमेजोन से इनको बाय किया है, ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, लेकिन ये नी गार्ड्स अच्छे हैं स्केटिंग के पर्पज़ से, इसलिए आप बाय कर सकते हो। मेरे काफ़ी पुराने हैं और मैं इसको दूसरे गेम्स में भी यूज़ करता हूँ, इस वजह से ही यहाँ से चटक चुका है, लेकिन क्वालिटी वाइज ये नी गार्ड काफ़ी अच्छा है, इसका पूरा सेट हमें मिल जाएगा। तो चलो बढ़ते हैं वीडियो में आगे और हम जाते हैं वापस से ग्रास में। कुछ इस तरह हमें ग्रास में खड़े हो जाना है और हाथ अपने नीज पे रख लेने हैं, जैसे कि मैंने रखे हुए हैं। एक बार मैं आके आपको वीडियो में क्लोज से दिखा देता हूँ। इस तरह से आपको रख लेने हैं, नीज पे हाथ रख लेने हैं, ये ग्रास में करना है आपको। अभी मैं पास से ले जाके ग्रास में भी दिखाऊंगा आपको, और कुछ इस तरह से। उसके बाद हमारे फुट का मूवमेंट हो जाएगा वी शेप में, देखो जैसे मैंने कर लिया है। वी शेप भी बोलते हैं इसको, टक टक के पोजिशन में भी बोल सकते हैं। चलो इसके बाद आगे का स्टेप आपको मैं बताता हूँ, थोड़ा पास से ले जाकर। तो चलते हैं अपनी स्टेप नंबर वन की तरफ। जैसे कि मैं आपको दिख रहा हूँ कि मैं ग्रास में आ चुका हूँ, आपको भी ग्रास में आ जाना है। मैं एक बार क्लोज लुक से आपको दिखा रहा हूँ जिससे कि आपको नॉलेज हो जाए। मैं अभी घास में खड़ा हूँ और बॉडी बैंड करके हमने एक डग वॉक बना लेनी है और ऐसे मूव करना है डग वॉक की शेप में। इस तरह से आपको पैर चलाने, देखो कुछ इस तरह खड़े होके, और कुछ भी नहीं करना है, बस इस तरह से वॉक करनी है। एक बार आप 50 टाइम्स ये वॉक करके, उसके बाद आपको इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आप घास में इजीली वॉक कर सकते हो। और दूसरा प्लस पॉइंट घास में जाने का ये भी है कि आप अगर गिरोगे भी तो घास में आपको चोट नहीं लगेगी इजीली। ये है जैसे सपोज़, अब हम घास में थोड़ा वॉक करके दिखा देता हूँ मैं आपको, जैसे कि नी गार्ड नीज पे टैप करके ऐसे वॉक करके, ये देख इस तरह आपको वॉक करना है जैसे मैं वॉक करके दिखा रहा हूँ। कम से कम आपको 20 से 25 बार ये कर लेना है, उससे आपकी नॉलेज इनलाइन स्केटिंग में थोड़ी थोड़ी गेन होनी शुरू हो जाएगी, आपकी कमांड स्केटिंग पे थोड़ा थोड़ा आ जाएगी, जैसे मैं वॉक करके आपको दिखा रहा हूँ इस वीडियो में। उसके बाद सेकंड स्टेप है, यहाँ पे आना है, डग वॉक की शेप थी, अब नी गार्ड से हाथ हटा लेना है हमें, बस सिर्फ वॉक करना है और हाथों की पोजिशन हमने सीधी कर लेनी है, जैसे कि मैं करके दिखाऊंगा आपको। अभी इस पोजीशन में थे हम, सेम हमने डग वॉक की पोजीशन मेंटेन करनी है, स्क्वैट्स पोजीशन, और ऐसे वॉक करना है। आपको ध्यान रखना है कि आपने पहले ग्रास पे ही करना है, सीधा ग्राउंड पे नहीं शुरू करना है। फिर आपकी जब ये वाली कमांड फिनिश हो जाएगी, उसके बाद आता है हमारा तीसरा स्टेप, जो कि करना है हमें ग्राउंड पे। तो ग्राउंड पे भी हमने पैर ऐसे ही रखना है वी शेप में, ये देखो मैंने वी शेप में पैर को रखा हुआ है। उसके बाद अब मैं आगे वॉक करूँगा, तो मैं आपको आगे की वीडियो दिखाता हूँ वॉक करके। आपको ऐसे ही रखना है पैर ताकि आप नीचे गिरोगे नहीं फिर ईजिली। तो फाइनली आ चुके हैं हम अपने ग्राउंड पे, और मैं वापस उसी पोजिशन को मेनटेन कर लेता हूँ कुछ इस तरह। और आपने धीरे धीरे डग वॉक की पोजीशन में वॉक करना है धीरे धीरे। बहुत सिंपल स्टेप है ये, कुछ भी मुश्किल नहीं है इसमें, आपको बॉडी बेंड करनी है और धीरे धीरे मूव करना है बस। जो स्टेप्स हमने ग्रास पे करे थे वही स्टेप्स हम यहाँ फॉलो करेंगे और इजीली हम सीख जाएंगे। हाथ आप सीधे रख सकते हो, अगर आपको सीधे नहीं रखने हैं तो आप नीज पे रख सकते हो कुछ इस तरह। नीज पे हाथ रखने से आपको एक बेनिफिट ये होगा, नीज पे हाथ रखने से आपको एक बेनिफिट ये होगा कि आप जल्दी से नहीं गिरोगे,
और आप अगर आप सीधे खड़े होकर चलाओगे तो आपका बैलेंस कुछ इस तरह हो सकता है और आप पीछे की साइड गिर सकते हो। मैं प्रोफेशनल हूँ, मुझे 15 साल का एक्सपीरियंस है, इसलिए मैं इजीली नहीं यहाँ पे गिर रहा हूँ। और जैसे जैसे आप इसमें पॉसिबिलिटीज़ को आगे बढ़ाओगे, जितना जितना आप सीखते जाओगे, उसके बाद आप हाथ ऊपर करके हाथ छोड़ के नॉर्मली भी चला सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, जैसे कि मैं अभी इजीली चला पा रहा हूँ। तो आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा कि इनलाइन स्केट्स बिगनर के लिए चलाना कैसा है और चलाने आपको कैसे कैसे आपको सीखने हैं। ये आपके सबसे 3 इजी स्टेप्स में आप इनलाइन स्केटिंग कर पाओगे। ऑल्सो अगर इनसे भी आपको मूवमेंट इसमें समझ में नहीं आ रहा है कि अब हम मूव नहीं कर पा रहे, तो आप एक लास्ट और एक फाइनल ट्रिक आप ये करके देख सकते हो कि आप सिंगल पैर से पुश करने की कोशिश कर सकते हो। बहुत सारे बच्चे सिंगल पैर से पुश करते हैं, जैसे कि मैं भी आपको इस वीडियो में करके दिखाऊंगा। वी शेप बनाया था हमने, डक वॉक करनी थी हमें ऐसे। अब अगर नहीं हो रहे तो इस तरह से पुश करेंगे, इस तरह से। आपको मैं एक बार फिर से डेमो दिखा देता हूँ कि सिंगल लेग से पुश कैसे करना है। वी शेप में खड़े होके इस पैर को पीछे लाएंगे, इससे आगे की तरफ पुश करेंगे, जिससे कि हमारा स्केट स्मूव हो जाएगा इजीली। और हाथ हमने वापस अपने सीधे रखने हैं। तो आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा कैसे इनलाइन स्केट्स मूव करने हैं। किसी का और भी कुछ क्वेश्चन है या क्वेरी है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। इस वीडियो करते हैं यहीं समाप्त, एक हॉकी ब्रेक के साथ।